अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस तरह चीप रेट के अंदर डोमेन बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे इवेंट आते रहते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफर चल नहीं रहा। जैसे कि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो इसके ऊपर भी अभी तक नेमचीप ने कोई ऑफर नहीं दिया, लेकिन हम आप लोगों को डिस्काउंट के अंदर लेकर दिखाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को URL मिल जाएगा, तो डिस्काउंट कोड वाला URL आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों को सामने .com वाला पेज ओपन हो जाएगा। आज हम इस वाली डोमेन के अंदर यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर .com वाली डोमेन बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखें ये कूपन कोड वाला प्रोमो आ चुका है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग इस कोड के जरिए इतना डोमेन ले सकते हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्काउंट के अंदर दे रहे हैं। हम अपने डोमेन वगैरह सर्च करके देख लेते हैं कि ये डोमेन दस्तयाब है या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, मैंने आमिल दरवेश के नाम से डोमेन सर्च कर लिया। तो आप लोग कोई भी डोमेन सर्च करें, उसके साथ .com लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग .com वाले पेज के ऊपर ही हैं। और आप लोगों को दूसरी डोमेन बाय करनी है तो आप लोग हमारे कोई और वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो हमारी वीडियो के अंदर आप लोगों को .in, .store, .online, .pk हर तरह के डोमेन की वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या हम इस डोमेन को ले सकते हैं या नहीं है, ये अवेल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन इतने डॉलर के हमें बता रहा है। तो अगर हम ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे ये 9.16 डॉलर की बता देगा, लेकिन हम इसे डिस्काउंट के साथ ही बाय करेंगे। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, वही आइटम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देगा कि इतने डॉलर की और ये इसकी टैक्स फीस है। तो मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो 6.16 डॉलर के अंदर बाय करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमसे कह रहा है प्रोमो कोड आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों के पास एक फ्रेश जीमेल हो जिसके ऊपर आप लोगों का ये प्रोमो कोड वर्क कर सके। तो याद रखें कि आप लोगों का प्रोमो कोड जब भी वर्क करेगा जब आपकी फ्रेश जीमेल हो, उसके ऊपर कभी नेमचीप का अकाउंट लॉगिन ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये साइनअप के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस टैब को ख़त्म नहीं करना चाहता, आप लोगों ने भी ख़त्म नहीं करना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप लोग नया अकाउंट बना लें, मैं जल्दी जल्दी इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ, हाइड करता हूँ और आप लोगों को अगले वीडियो का दिखाता हूँ कि अगला क्लिप क्या है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये साइनअप किया, अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ईमेल भी आ चुकी है। ये कह रहे हैं वेलकम टू नेमचीप, यानी कि हमने अपना नेमचीप का फ्रेश अकाउंट बनाया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है, फंड हमारा 0-0 है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, ये वाला डोमेन यहाँ पर अभी कोई लॉगिन नहीं, मैं सिर्फ इसे एक दफा रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, रिफ्रेश करने के बाद हमारा खुद ब खुद लॉगिन हो चुका। आप लोगों ने जो को डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, आप लोगों ने उसे अप्लाई करना है। मैं उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने लगा हूँ। तो अब मैं जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखते हैं कि अप्लाई होता है या नहीं। ये देखें दोस्तों, ये कह रहा है कि कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड, यानी कि हमारा कूपन कोड अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हमारा अब अगला स्टेप कन्फर्म ऑर्डर का ही है। तो अब मैंने जैसे कन्फर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो ये अब हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल दें, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है ताकि ये फिर अपने डोमेन के ज़रिए वेरीफाई कर सकें। तो ये हम जल्दी जल्दी फेक सी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। सही इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करेंगे उसमें आपका भी फ़ायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान ये है कि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फेक होगी। लेकिन ये कि आप अपना जीमेल रियल दें, क्योंकि आपका जब पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा तो उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं जल्दी इन्फॉर्मेशन फेक सी फिल कर देता हूँ। यहाँ पे ये जैसे मैंने फेक सी इन्फॉर्मेशन फिल की तो अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे सेम फॉलो करना है ताकि आपका ये कोई मसला ना आए डोमेन बाय करने में। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, अगला सिस्टम ये आ चुका है सेटअप की। ये देख रहे हैं कि आपका ये बिल्कुल सही चीज़ है, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। मैं कहता हूँ नहीं, कोई नहीं करनी। कंटिन्यू के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये मेन चीज़ आ जाएगी, हमारे बिलिंग का एड्रेस। तो जैसे अब बिलिंग का बहुत ज़रूरी सेटअप है, क्योंकि इसके अंदर बिलिंग, हम अगर बिल नहीं पे करेंगे तो हमें डोमेन कैसे मिलेगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे बिल किस तरह ऐड करेंगे। अगर आप लोग कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि हम हर दफ़ा ऐड फंड करके करते हैं, उसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा कार्ड रिजेक्ट नहीं होता। हो सकता है कभी कभार यहाँ पर इशू आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं अकाउंट फंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका फंड 0-0 है, जबकि आपके डोमेन इतने की आएगी, 6.16 डॉलर की। तो अब क्या करना है, आप लोगों ने अकाउंट फंड के ऊपर जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो ये आप लोगों का फंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, डायरेक्ट वो वाला पेज ओपन हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर ये वाला बटन टॉपअप का क्लिक करेंगे तो फिर भी आप लोगों के पास वही पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों चीज़ें एक ही होती है, बैलेंस टॉपअप करना या ऐड फंड करना।
तो आप किसी में से किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। मैं इसे एक को क्लोज कर देता हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने फ़ंड किस तरह ऐड करना है। तो दोस्तों फ़ंड ऐड करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं कार्ड के ज़रिए करूँगा। तो कार्ड के ज़रिए फ़ंड ऐड करने का ये फ़ायदा है कि इसमें इजीली हो जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पेपाल के ज़रिए करेंगे, पेपाल का भी मास्टर कार्ड लगता है, ठीक है। जीमेल आईडी नहीं लगती, जैसा कि जो पेपाल की आईडी होती है वो वाली नहीं लगती, इसमें मास्टर कार्ड पेपाल का यूज़ होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं कि तो अब मैं कार्ड के ज़रिए पेमेंट करता हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप लोगों ने कितना फ़ंड ऐड करना है। हम देख लेते हैं पेमेंट ऑप्शन के ऊपर, $6.16 हमने फ़ंड ऐड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इतना फ़ंड अब ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं $6.16 लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डॉलर के अंदर पेमेंट लिखी जा रही है। यहाँ पर ये देखें डॉलर का साइन भी नज़र आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये हमसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि दोस्तों ये अपना कार्ड वगैरह दे दे। तो मैं जल्दी ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ हाइड करके। तो आप लोगों ने अपना कार्ड वगैरह की डिटेल फिल कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं पाकिस्तान से। तो आप लोगों ने जिस भी कंट्री से वो वहाँ की लोकेशन सेट कर देनी है, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन ये एड्रेस आप लोग फेक फिल कर देना, मैं आप लोगों को ये कहूँगा, ताकि आप लोगों का डेटा सिक्योर रहे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये आप लोगों से कह रहा है कि ये आप लोगों का कार्ड है, ये अकाउंट होल्डर का नाम है, और ये आप लोगों के इतने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपका करंट बैलेंस 00 है, ठीक है। तो हम इतना ही पेमेंट ऐड करना चाहते हैं, देख लेते हैं हमारी डोमेन, हाँ इतने की ही बाय हो रही है। अब मैं चार्ज थ्रू प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फ़ंड ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा फ़ंड ऐड होता है या नहीं होता। तो ये हमें कुछ ही देर के अंदर कुछ ना कुछ शो करवा देगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ़ंड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड योर अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारा फ़ंड ऐड हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी पेज को सिर्फ एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये आप लोगों से अब ये दोबारा रिफ्रेश करने के बाद, अब मैं जैसे अकाउंट फंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जितना करंट बैलेंस है उसके अंदर आप लोग ये वाले डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, पहले रेड कलर का कुछ टैक्स आ रहा था, अब ये ग्रीन रंग का आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैं करंट के ऊपर कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पे ये देखिए बिलिंग से आ गई, ये ऑर्डर के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, ये आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों से इतना पेमेंट काटा जा रहा है, तो आप लोग क्या रेडी हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा है तो आप लोग एडिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और अपने सर्विसेज को देख सकते हैं। तो ये फॉर एवर ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी इतनी डोमेन है। आप लोगों ने अपना डोमेन नेम का स्पेलिंग देख लेना है, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पेनाओ को हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि अब हमारा हर चीज़ सेटअप हो चुका है। तो अब ये डन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अब ये चेक कर रहे हैं कि ये डोमेन हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, ये प्रोसेस हो रहा है। तो देखते हैं कि ये डोमेन हमें मिल जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू और परचेज़ का, वरना हमें रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, हमें देखते हैं क्या शो हो रहा है। ये कह रहे हैं थैंक यू और परचेज़, ठीक है, आप लोग ये डोमेन खरीद चुके हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमने ये डोमेन बाय कर लिया, कोई मसला नहीं आया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा फ़ंड ये देखें 00 हो चुका है। जितना फ़ंड मैंने ऐड किया था उसी के मुताबिक हमने डोमेन बाय कर लिया है। आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख के अंदर हमने ये वाला डोमेन बाय किया है। और यहाँ पर ये देखें आमिल दरवेश के नाम से .com के नाम से आ चुका है। इसमें दोस्तों कोई मसले की बात नहीं हुई। तो आप लोगों जिस तरह बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं, कोई जो मर्जी। लेकिन अगर आप लोग पास मास्टर कार्ड या वीसा कार्ड नहीं है, तो आप लोग चाहते हैं यार मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म से डोमेन बाय करूं, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को डोमेन बाय करके दे देंगे। आप लोगों ने पेमेंट अपने ईजी पैसे जायज़ कैश करनी होगी। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग अपने डोमेन नेम सेंड करना, हम आप लोगों को बाय करके दे देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।